ये सीट कैसी लगती है आप इनको बताइए। अगर हम इस सीट को यहाँ पर लगाते हैं और ये पीछे का लुक ऐसा डिसेंट लगता है तो कैसा लगेगा? देखिए एक अलग आपको नया फील मिलेगा, डिसेंट। और पीछे मडगार्ड नहीं लगाना है। मडगार्ड लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं मैं आपको थोड़ा नजदीक से दिखा दूंगा, बिल्कुल करीब में। इस मडगार्ड को इतना छोटा था है? तो कैसा लगेगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। या थोड़ा सा ऐसे नीचे उठा देते हैं, ये लुक कैसा लगेगा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नमस्कार, आज का वीडियो बनाने वाले हैं हम फिटिंग के ऊपर। और हमने इस गाड़ी को पेंट कर रखा है, ब्लैक पेंट कर रखा है। मैं आपको जरा नज़दीक से दिखाता हूँ। कुछ लोगों ने पूछा था कि पेंट का खर्चा कितना आता है, आप इसकी साइन देख सकते हैं। पेंट इसमें 2K का पेंट कराया है हमने और ये साढ़े चार रुपये के आसपास पड़ा है। और पेंट की क्वालिटी मतलब बहुत बढ़िया है, साइन देख सकते हैं आप। फिलहाल हम वीडियो बनाने वाले हैं इसका, कैसे इसको हम फिट करते हैं। और कुछ चीज़ें मतलब मेरे को लगता है कुछ बेसिक चीज़ें थी जो जानना बहुत ज़रूरी था लोगों को, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर बॉल्स लगी रहती हैं, आप देख लीजिए। यह है बॉल्स या गोलियाँ बोल सकते हैं, दोनों साइड में लगती हैं, ऊपर की साइड यहाँ पर और नीचे इसके अंदर। तो फिलहाल अब हम इसको फिट करेंगे। फिट करने के लिए अच्छा, और इसकी जो कोन होती है ये बहुत सिंपल है फिट करना, कैसे फिट करनी है। और ये 550 रुपये के आसपास आएगी अगर आप नई डालना चाहते हैं तो, नया मतलब न्यू, ठीक है। और सबसे पहले हमें नीचे की साइड से फिट करना है। और ये 2 कप हैं, इसको पहले फिट कर दिया, फिर इसके बाद यहाँ ऊपर से इसको लगा देना है। देखिए बहुत आराम से बिल्कुल ईजी लग जाता है। इसके बाद इसका नट है 30 नंबर का, इसको आराम से टाइट कर लें। और जब इसको टाइट कर लेंगे इसके बाद नेक्स्ट काम है शॉकर को फिट करना। तो अब शॉकर दिखाते हैं कैसे फिट किए जाते हैं। अब दूसरा काम है हमें शॉकर फिट करना है। और शॉकर आपको बिल्कुल मालूम है कि जो इधर की साइड में रहता है नट बोल्ट नहीं है, यहाँ पर नट बोल्ट नहीं रहता, तो ये हमारा लेफ्ट साइड का है। इसको लगाइए, ऊपर एलिमेंट की बोल्ट है, इसको टाइट कर लेते हैं। देखिए इस टाइप का एक एलन की बोल्ट होता है, इसको लगा लें बहुत आसानी से। और शॉकर को बिठाने में थोड़ा सा परेशानी होगी, आप तेल लगाएंगे तो अच्छे से बैठ जाएगा। देखिए बहुत आसानी से पहले हर चीज फिट कर लें, एकदम टाइट कर देंगे तो बिल्कुल फिक्स नहीं बैठेगा और बाद में गट 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 एक साउंड आने लगती है। और ये दूसरा शॉकर है, इसको भी फिट कर लेते हैं। देखिए देखिए बिल्कुल आराम से हिला हिला के देखिए बंदा आपके सामने फिट कर रहा है और ये ऊपर बैठ गया। और कोशिश करें जब अगर आप डेंट पेंट को मतलब नई गाड़ी से फिट करते हैं तो पेंट के ऊपर हाथ ना लगाएं। पेंट के ऊपर हाथ लगाने से क्या होता है, यहाँ पर निशान आ जाते हैं और फिर पेंट की क्वालिटी में मज़ा नहीं आता है। तो अभी देखिए हम पूरा हैंडल ऐसे हिला के दिखाएंगे दोनों साइड को और ये बिल्कुल फिट हो चुका है। अब दूसरा काम क्या है, हमें यहाँ के बोल्ट लगाने हैं, यहाँ बोल्ट आते हैं इनको फिट कर लेना है। तो अब देखते हैं, निकाल लेते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, पर बिल्कुल हर एक चीज़ डिटेल में बनाते हैं। देखिए अब दूसरा काम क्या है, हमें ये नंबर प्लेट लगानी है। नंबर प्लेट में ये फ्रेम रहता है और ये नट बोल्ट रहते हैं जो अंदर की साइड से लगेंगे। 12 नंबर के बोल्ट रहते नट रहते हैं सॉरी, और ये बोल्ट है, इसको इस तरह लगा देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे से टाइट कर देना है दोनों साइड से, इसको टाइट करना है, पर इसको अभी भी फुल टाइट नहीं करना है।
फुल टाइट कब करना है? मैं आपको बताता हूँ, पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, ऊपर यहाँ पर, यहाँ पर एक 30 नंबर का नट है, इसको पहले टाइट करके चेक कर लेना है कि हैंडल हमारा ढीला तो नहीं है, और इसको हल्का सा टाइट रखना है, ज़्यादा भी नहीं, हल्का सा टाइट रखना है। उसके बाद हैंडल को हिलाना है, दोनों साइड में को मूवमेंट करना है और देखना है कि टाइट तो नहीं चल रहा है। जब आप इसको ऐसे चला के देख लेंगे और आगे की साइड से यहाँ से थोड़ा ऐसे हिला के देख लीजिए कि हिल तो नहीं रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो है देखिए 12 नंबर यहाँ पे एक आयरन की बोल्ट है और इसको यहाँ पे टाइट कर देना है ऐसे। ये हैंडल की जो हैंडल टी होती है इसको रोक के रखता है। पहले सबसे पहले इस बोल्ट को टाइट करें दबा के, चाहे तो आप किसी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जैसे अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, इस तरह बिल्कुल फुल टाइट कर दें, क्योंकि ये टाइट रहेगा तो हमारा हैंडल जो टाइम टाइम पे ढीला हो जाता है वैसे नहीं होगा। और ये टाइट हो गया है। अब इसके बाद क्या करना है, चलिए अभी फिर क्या करना है, हमने इसको हैंडल को फिट करना है, और हैंडल फिट करने के लिए देखिए इस तरीके से फिट करना है, और ये पत्ती है इसको फिट करने का सिंपल तरीका देखिए, ऐसे लगा दें और ऊपर से बोल्ट लगा दें और इसके बाद इसको टाइट कर दें। अब हमें यहाँ पर जो एमीटर लगाना है वो ये होता है, इसको लगाने का सही तरीका ये है कि पहले यहाँ पर ऑयल लगा दें और इसके बाद अंदर डाला इसको, और पहले रबड़ को फिक्स कर दिया इसके ऊपर, जब रबड़ बैठ जाएगी इसको सीधा लें, आपको किस हिसाब से डायरेक्शन लेना है, और सीधा लेकर आराम से बिठा दें। जब ऑयल इसके अंदर लगा रहेगा तो बिल्कुल ईजी आराम से बैठ जाएगा। तो यही सबसे सिंपल तरीका है। मीटर कैसे लगाना है ये नॉर्मल है, यहाँ स्विच कैसे लगाना है ये चीज़ नॉर्मल है। तो अभी आगे और देखते हैं जो आपके लिए खास है। कैसी लगती है आप इनको बताइए, अगर हम इस सीट को यहाँ पर लगा रहे हैं और ये पीछे का लुक ऐसा डिसेंट लगता है तो कैसा लगेगा? देखिए एक अलग आपको नया फील मिलेगा, डिसेंट, और पीछे मडगार्ड नहीं लगाना है। मडगार्ड लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ, बिल्कुल करीब में। इस मडगार्ड को इतना छोटा था है? तो कैसा लगेगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, या थोड़ा सा ऐसे नीचे उठा देते हैं ये लुक कैसा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा अभी हम अगला फ्रंट मडगार्ड लगाएंगे, और फ्रंट मडगार्ड लगाने का जो ट्रिक है तो वो आज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि कैसे लगाया जाता है, और सही बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है, जिससे कि पेंट के अंदर खरोच या स्क्रेच ना लगे। तो सबसे पहले कि आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर कपड़ा, यहाँ कपड़ा लगा के इसके अंदर इसे बिठा सकते हैं, और अगर आपका हाथ सेट है, आपको उम्मीद है कि मैं जो फिट करूँगा उस पर कुछ नहीं होगा, तो बिल्कुल ईजी आराम से ऐसे बिठाइए इसको ऐसे, और इस तरीके से आप ऊपर ले लीजिए, और इसके बाद यहाँ पे क्या नट बोल्ट आराम से बिल्कुल देखिए लग जाते हैं। तो मतलब मैं तो ये चाहूँगा कि आप कपड़ा लगाएं और उसके बाद फिट करें, तो बिल्कुल इजी आराम से फिट कर लीजिए। तो अब देखते हैं हम पीछे का मरगाज कैसे लगाया जाता है और इसको फिट करते हैं। फिट करने का सबसे सिंपल तरीका है, आप यहाँ पर नट बोल्ट खुले होने चाहिए और इसको ऊपर से ऐसे बिठाना है, और जब ऊपर के बोल्ट टाइट कर लें, ऊपर के बोल्ट टाइट करने के बाद इसको बहुत आराम से नीचे को छोड़ दें, और दोनों साइड से यहाँ पर खांचे दिए होते हैं इनको बिठाते हैं और टाइट करते हैं। तो अभी देखिए गाड़ी बिल्कुल लगने लगी क्लासिक दोबारा से, तो आगे थोड़ा काम और करते हैं, जैसे कि टूल बॉक्स। अब टूल बॉक्स के ऊपर आते हैं कि टूल बॉक्स कैसे फिट किया जाता है। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं कि टूल बॉक्स कैसे लगाया जाता है, और इसके अंदर जो फ्यूज होते हैं इन फ्यूज को कैसे सेट किया जाता है, और कौन से फ्यूज का क्या काम होता है। इसके अंदर यहाँ पर देखिए एक छेद दे रखा है, इसके अंदर से सबसे पहले इसके वायर और सॉकेट इनको सबको निकाल लेना है,
देखिए इस तरीके से बिल्कुल इजी आराम से आप निकाल दीजिए, ये निकाल दिए। इसके बाद बहुत इजी बिल्कुल आराम से इसको फिट करिए और देखिए कि नीचे की साइड में यहाँ पे पेंट पे कुछ टच ना हो। और इसके बाद अंदर यहाँ पे बोल्ट होते हैं, उनको हाथ से चढ़ा दें। एक लगा दिए और दूसरा लगा दिए और एक यहाँ नीचे होता है यहाँ पे का लगा लेते हैं, तीनों को फिट कर लेते हैं और फिर अंदर फंक्शन दिखाता हूँ कैसे काम करते हैं। अच्छा जब ये कपलर है, कपलर में ये है TCI, इसके अंदर सबसे पहला कपलर बड़ा 4 मुख का, बाकी फिर 2 और एक ये TPS स्विच का। TPS स्विच कौन सा होता है ये है, इसके ऊपर पहले एक वीडियो बनाया है, आप चाहो तो देख सकते हैं। और इसको यहाँ पर इसके अंदर ऐसे फंसा देना है। कुछ लोग अगर फंसाते नहीं है, अगर इसको अच्छे से कहीं फिक्स नहीं करेंगे तो इसके अंदर जो पानी होता है पानी जमने लगता है और फिर परेशानी आएगी। और ये वाले को हम ऊपर की साइड लगा देते हैं, यहाँ पे को और ये ऊपर यहाँ पे की साइड, अगर नीचे रहेंगे तो यहाँ पर परेशान करते हैं। और इसके बाद इसकी चाबी ने ये लॉक लगा है और ये फिट कर दें। तो फिलहाल इतना तो हो गया है, देखिए गाड़ी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसके अंदर एक सीट है। अच्छा मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर सिंगल सीट लगाता हूँ, सिंगल सीट बोल दो इस टाइप से, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ ये रहा सिंगल सीट। ठीक है, सिंगल सीट में गाड़ी तो बढ़िया लग रही है, मज़ा आ रहा है। और इसका टैंक है, टैंक एक बार लगाता हूँ मैं आपको और दिखाता हूँ। अच्छा सॉरी अभी टैंक पहुंचा नहीं है, तो फिलहाल इतना ही है। मैं एक बार कोशिश करता हूँ इसको स्टार्ट करने की और देखते हैं स्टार्ट होती है या नहीं। इसका चाबी रहा ये, और देखते हैं काफ़ी देर से खड़े थी, देखते हैं पेट्रोल होगा तो मेक श्योर स्टार्ट हो जाना चाहिए। गाड़ी एकदम बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है और अगले वीडियो में बनाएंगे हम इसका आगे का हिस्सा, अगले वीडियो में बनाएंगे कि अब मतलब चलने फिरने में क्या है। और बहुत जल्दी मेरा एक नया कैमरा भी आने वाला है और फिलहाल मैं दिल्ली जा रहा हूँ, सबसे मेन बात है मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अगर किसी को मेरे को दिल्ली में मिलना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे को वहाँ व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दीजिए और या फेसबुक में मेरे को मैसेज कर दीजिए अपना नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, और बताइए मैं दिल्ली से हूँ। या अगर फिर भी कहीं नहीं मिलता आपको तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को अपना नंबर सेंड करिए और कहिए कि मैं दिल्ली से हूँ और मेरा नंबर यह है, मैं बिल्कुल आपको कांटेक्ट करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रहा हूँ दिल्ली में ही बनाएंगे और देखते हैं जैसा रहेगा। इस वीडियो में बताइए कि आपको क्या कमी लगी और किस टॉपिक के ऊपर इस गाड़ी के अभी जैसे वायरिंग है, किस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए, तो जल्दी आपको उसको टॉपिक के ऊपर वीडियो मिलेगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।